Hello students, welcome back to our channel NKC Learning. I hope you all are doing good. I'm your maths teacher Jyoti Raghav. So students, हमने previous video में exercise 13.2 question number 3 and 4 discuss किया था. आज हम इस video में question number 5 and 6 discuss करेंगे. So start करते हैं question number 5. Question number 5, a vessel is in the form of inverted cone, its height is 8 cm and the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर. देखिए, जो हमारा वेसल है वो इन्वर्टेड कोन की शेप का है, जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, विच इज ओपन, और ये ऊपर से क्या है, ओपन है. इट इज फिल्ड विथ वॉटर अप टू ब्रिम. इसके अंदर क्या किया गया है, ब्रिम तक पानी को भर दिया गया है. यहाँ ब्रिम तक हमारा ये इसके अंदर पानी फिल किया गया है. When leads short, each of which is sphere of radius 0.5 centimeter are dropped in the vessel. ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या करने हैं, अब हमें spherical जो leads हैं वो हमें इसके अंदर डालने हैं. Spherical leads, ये जैसे like sphere shape के leads हम इसके अंदर डालेंगे, जिनकी radius कितनी होगी 0.5 centimeter. 1/4 of water flow out. जब हम वो leads डालते हैं, we don't know how many leads we have to put. बट हमें ये पता है कि जब हम इसके अंदर लीड्स डाल रहे हैं, सो 1/4 ऑफ वॉटर फ्लो आउट, 1/4 जो पानी है उसके वॉल्यूम का वो बाहर निकल जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल. तो वेसल में कितनी लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स डाली गई है वो हमें पता लगाना है. तो देखिए, हमें कॉन की हाइट गिवन है, हाइट ऑफ कॉन आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एच, यू हैव गिवन 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कॉन आई एम रिप्रेजेंटिंग बाय स्मॉल आर, यू हैव गिवन 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड, रेडियस ऑफ स्फेयर, जो स्फेरिकल लीड दे रखी है हमें उसकी रेडियस हमें गिवन है बच्चे 0.5 सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट 5/10 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर ऑल्सो, बिकॉज व्हेन वी विल रिमूव द डेसिमल वी विल गेट 5/10. 5 × 5, 5 × 10. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब देखिए, ये पानी यहाँ बिल्कुल टॉप तक इसमें वेसल में फिल है. हमने ये लीड्स उठाई और इसके अंदर डालना शुरू कर दिया. जब हम ये डाल रहे हैं इसके अंदर, तो ये पानी क्या हो रहा है, 1/4 वाटर निकल जाते हैं. तो जो 1/4 वाटर निकल रहा है वो किसकी वजह से निकल रहा है, जो लीड्स डाल रही है उसकी वजह से निकल रहा है. इट मीन्स हमारी जो लीड्स होंगी उनका वॉल्यूम और जो 1/4 वाटर है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेट नंबर ऑफ लीड्स, नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप्ड इन वेसल, कि वेसल में हमने कितनी नंबर ऑफ लीड्स डाली, लेट एन. कितनी लीड्स डाल रहे हैं हम, एन लीड्स डाल रहे हैं. सो देखिए, वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लो आउट, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकल रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर. और किससे निकल रहा है वो, हमारे लीड्स की वजह से. कितनी लीड्स हम डाल रहे हैं, एन लीड्स डाल रहे हैं. और लीड्स जो है वो कैसे शेप की है बच्चे, स्फेरिकल शेप की है. सो एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वन एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लीड. सो वॉल्यूम ऑफ वॉटर फ्लो आउट कितना निकला है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम फ्लो आउट, किसका, कोन का, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. जो हमारा वेसल था वो किस शेप का था, कोन शेप का था. तो कितना निकला, 1/4 निकल गया बच्चे. सो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लीड. स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई
आर क्यूब. आर हमने किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर से. सो वी विल टेक हेयर कैपिटल आर. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा. अब देखिए, वन फोर्थ वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू एन इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. अब यहां देखिए, हम वैल्यूज पुट करेंगे. जब हम वैल्यू पुट करते हैं 1/12, पाई से पाई कैंसिल, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जब भी सेम वैल्यू होती है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये यहां पे मल्टीप्लाई में है. जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे इट बिकम्स इन डिवाइड, सो पाई से पाई कैंसिल. वन मोर थिंग यू कैन कट, 3 से 3 कैंसिल. 3 डिनोमिनेटर में है, जब हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो वो किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में, मीन्स यहां डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल. तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/4 इंटू रेडियस. रेडियस हमारे पास कौन की कितनी है, 5. सो 5 इंटू 5 एंड हाइट कितनी है बच्चे, 8 इज इक्वल्स टू एन इंटू 4 आर क्यूब. रेडियस देखिए कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू 1/2 क्यूब है. सो वी विल राइट इट 3 टाइम्स. पावर 3 मीन्स कितनी टाइम्स लिखेंगे उसको, 3 टाइम्स. सो 1/2 पावर 3 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2. आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. अब यहां से देखिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. अब यहां हमारे पास क्या आ गया है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 इज इक्वल्स टू एन बाय 2. हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एन के डिवाइड में कौन है, 2. जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेकिन ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी है तो इसको हम लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. 50 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, इट मीन्स 100. किसकी वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू. इट मीन्स हम कितने स्फेरिकल लीड्स डालेंगे इसके अंदर, जब हम इसके अंदर 100 स्फेरिकल लीड्स डालेंगे तो हमारा कितना पानी बाहर निकलेगा, 1/4 ऑफ द वॉटर कम्स आउट, बाहर निकल जाएगा. आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6. सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, ए सोलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर. देखिए, एक आयरन पोल है जिसमें नीचे भी एक सिलेंडर है, ऊपर भी एक क्या है, सिलेंडर है. जो नीचे वाला सिलेंडर है उसका डायामीटर है 24 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो है वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर. उसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट किया गया है जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और उसकी रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर. फाइंड द मास ऑफ द पॉल, जो पॉल है उसका कितना मास है वो हमें फाइंड आउट करना है. गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसके अंदर कितना मास है, 8 ग्राम मास है. तो बताइए कि आपका जो पूरा ये पॉल है उसके अंदर कितना मास होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो गिवन हमारे पास क्या है, देखिए, जो नीचे एक सिलेंडर है वो 220 सेंटीमीटर हाइट और डायमीटर 24 का है, उसके ऊपर एक और सिलेंडर सरमाउंट किया गया है. सो हाइट ऑफ बिगर सिलेंडर रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल एच, दैट इज यू हैव गिवन 220 सेंटीमीटर एंड नाउ डायामीटर यू हैव गिवन, डायामीटर ऑफ बिगर सिलेंडर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय डी, यू हैव गिवन 24 सेंटीमीटर. सो रेडियस क्या आ जाएगा इसका, रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायामीटर,
रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय कैपिटल आर, सो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब जो स्मॉलर सिलेंडर है हम उसका निकालते हैं, हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर है उसकी हाइट हमें कितनी गिवन है बच्चे, 60 सेंटीमीटर, रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर। एंड रेडियस यू हैव गिवन, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर रिप्रेजेंटिंग इट बाय स्मॉल आर यू हैव गिवन 8 सेंटीमीटर। सो अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है कि आयरन में कंप्लीट जो बॉल आयरन से बना हुआ है इसमें कितना मास है। सो यहां हमें बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है। तो पहले हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितनी आयरन इसके अंदर यूज हुई है इसको बनाने में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ पॉल, सो वॉल्यूम ऑफ पॉल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। सो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहां हमने कैपिटल आर और कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया था बिगर को, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैपिटल आर एंड कैपिटल एच, और हियर स्मॉल आर एंड स्मॉल एच। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, पाई। सो पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच प्लस में आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14। रेडियस बिगर सर्कल जो सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है हमारे पास, 12। सो 12 स्क्वायर मीन्स 12 × 12। एंड हाइट हमें कितनी गिवन है यहां पे, 220 सेंटीमीटर। सो राइट डाउन हेयर 220 प्लस में आर स्क्वायर जो हमारा स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास, स्मॉलर सर्कल की रेडियस है 8। सो 8 × 8 एंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर सर्कल यू हैव गिवन 60। सो यहां क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नाउ सॉल्व इट, 314 रिमूव द डेसिमल, 314 बाय 100 स्क्वायर ऑफ 12 × 12 वी विल गेट 144 × 220 प्लस 8 × 8 = 64 × 60। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, 314 by 100 विल रिमेन सेम। ओके, 314 by 100 विल रिमेन सेम। नाउ मल्टीप्लाई 144 × 220, 144 और 220 की हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 31680। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ 64 × 60 की किससे मल्टीप्लाई करनी है हमें, 60 के साथ, सो वी विल गेट 3840। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ आई एम डूइंग हेयर, 314 by 100 विल रिमेन सेम, एड 31680 प्लस 3840 दोनों को हमें क्या करना है, जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में क्या है, एडिशन है, तो हमें क्या करना होगा, एड करना होगा। जब हम इसको एड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 35520। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ 10 से 10 कैंसिल, हम अब क्या करते हैं, 314 की मल्टीप्लाई करेंगे 3552 से। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 111 5328 और बाय में क्या है यहां पे 10, सो वी विल गेट
111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या आ जाएगा बच्चे, वॉल्यूम आ जाएगा। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसके अंदर 8 ग्राम मास है। तो हम करेंगे यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन हैज मास हाउ मच, 8 ग्राम। सो हमारा वॉल्यूम कितना आया है, 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। सो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 111532.8 की मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर देंगे, 8 ग्राम के साथ कर देंगे। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो देखिए क्या आएगा, 8922। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 111532.8 की हमें 8 ग्राम के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। सो हमारे पास आएगा 8922.62.4 ग्राम। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हमें इसको चाहे तो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम से जब हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। सो हम इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 8922.2624 किलोग्राम। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।